हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हाई फाई महासंग्राम में दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे आ, जो लूसेंट बुक है उसमें जो साइंस है उसमें यहाँ से डिस्कस करेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सभी देख लेते हैं एक सीरियल वाइज चलेंगे और ये यूपी पुलिस और यूपी कांस्टेबल यानी ये यूपी कांस्टेबल और यूपी लेखपाल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और ये लूसेंट न्यू एडिशन है इसका करवाएंगे ठीक है चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है कहता है जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था तो ये लयमार्ग तथा तो ट्रेवी, ट्रेवी रेनस ने किया था किसने किया था लयमार्ग तथा तो रेनस ने किया था ठीक है चलिए अगर जनक पूछा जाता है जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है तो अरस्तु को माना जाता है किसे अरस्तु को कहा जाता है अगला क्वेश्चन कहता है जीव विज्ञान के जनक के नाम से किसे जाना जाता है तो अभी ये पीछे बताया था किसे अरस्तु को कहा जाता है द फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है तो अरस्तु को कहा जाता है अगला क्वेश्चन है कहता है जंतु विज्ञान के जनक कौन है तो ये कौन है इसका क्वेश्चन पूछा गया जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है तो इसे भी अरस्तु को कहा जाता है अगला क्वेश्चन कहता है कि वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है तो इनका नाम है क्या नाम है है दोस्तों ये लूसेंट बुक का न्यू एडिशन है ठीक है 2022 का न्यू एडिशन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जितने भी बनते हैं और टॉपिक वाइज का कंप्लीट करेंगे पहला पहला इसमें चैप्टर है वो करवा रहे हैं कौन सा चैप्टर है दिखा देते हैं चैप्टर है वनस्पति विज्ञान है उनकी शाखाएं ठीक है जीव विज्ञान का अगला क्वेश्चन कहता है कि चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है चिकित्सा शास्त्र का यानी फादर ऑफ मेडिकल साइंस किसे कहा जाता है तो ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया तो इसका आंसर आपका हो जाएगा हिप्पोक्रेट्स हिपोक्रेट्स को कहा जाता है किसे हिपोक्रेट्स को कहा जाता है अगला कहता है बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई बॉटनी जो शब्द है उसका जो शब्द है किस भाषा का शब्द है ये क्वेश्चन पूछा गया तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रीक भाषा का किस भाषा का शब्द है ग्रीक भाषा का शब्द है अगला कहता है अगला कहता है हिस्टोरिका प्लांटेरम पुस्तक के लेखकों ने तो हिस्टोरिका प्लांटेरम की बात अगर की जाती प्लान्टरम की बात की जाती है तो ये कौन है थियोफेस्टस अगर बात की जाती है केवल यहाँ पे अगर एनिमलियम जुड़ जाता है तो इसके हो जाते हैं अरस्तु यानी अरस्तु ने क्या लिखा था इसमें लगभग अगर इन्होंने कितना लगभग 500 एनिमल्स का अध्ययन किया था जो इसके इस बुक में बताया है किसने बताया तो ये इसने बताया था अरस्तु जी ने बताया था बाकी थियोफेस्टस ने हिस्टोरिया इस, प्लांटेरम में लगभग पाँच प्लांट्स का अध्ययन किया था और वो भी इसमें डिस्कस किया है अगला कहता है चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को तो किसकी शपथ दिलाई जाती है तो अभी किसे हमने बताया था फादर ऑफ मेडिकल साइंस किसे कहा जाता है तो उनकी शपथ दिलाई जाती है इनका नाम है हिपोक्रेट्स क्या नाम है हिपोक्रेट नाम है वा विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है जीवधारियों के अध्ययन से होता है उसे क्या कहा जाता है उसे क्या कहा जाता है ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसे क्या कहा जाता है उसे जीव विज्ञान कहा जाता है क्या कहा जाता है जीव विज्ञान कहा जाता है फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है तो दोस्तों फाइकोलॉजी में जो अध्ययन किया जाता है ये आपका शैवालों का किया जाता है अगर माइकोलॉजी की बात की जाती है तो उसमें कवकों का अध्ययन किया जाता है ठीक है कवकों का अध्ययन किया जाता है विषाणुओं में तो वायरोलॉजी में वायरोलॉजी होता है ठीक है और पारिस्थिति का उसे क्या कहा जाता है इसे इकोलॉजी कहा जाता है क्या इकोलॉजी कहा जाता है पर सॉरी दोस्तों खांसी आ गया था कोई दिक्क़त नहीं अगला क्वेश्चन कहता है पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है तो अभी हमने बताया था जिसे इकोलॉजी कहा जाता है पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत किया जाता है फूलों के संवर्धन के लिए विज्ञान को क्या कहा जाता है तो इसे क्या कहा जाता है दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया तो इसे दोस्तों कहा जाता है फ्लोरीकल्चर कहा जाता है क्या कहा जाता है फ्लोरीकल्चर कहा जाता है चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है अगला क्वेश्चन कहता है डेंड्रोलॉजी क्या होता है तो डेंड्रोलॉजी क्या होता है दोस्तों डेंड्रोलॉजी जो होता है आपका ये क्वेश्चन पूछा गया तो इसमें झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है किसका जो झाड़ियाँ होती हैं छोटी छोटी जो उनका अध्ययन किया जाता है पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है तो पुष्पों का अध्ययन दोस्तों क्या कहलाता है एंथ्रोलॉजी कहलाता है क्या कहलाता है एंथ्रोलॉजी कहलाता है जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है कहता है जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है किसका अध्ययन किया जाता है तो ये किया जाता है दोस्तों जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है ठीक है वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखों को क्या कहा जाता है ये अभी पीछे हमने पढ़ा था तो ये हो जाता है हार्टिकल्चर क्या होता है हार्टिकल्चर होता है वनस्पत संवर्धन से अगला कहता है क्वेश्चन कहता है जीवों एवं वातावरण की वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है तो इसे कहा जाता है पारिस्थितिकी कहा जाता है जो वनस्पति विज्ञान की भाषा का जिसमें सवालों का अध्ययन किया जाता है तो अभी हमने बताया था क्या कहा जाता है फाइकोलॉजी कहा जाता है क्या कहा जाता है दोस्तों फाइकोलॉजी कहा जाता है स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है तो स्पर्मोलॉजी जो होता है उसमें किसका अध्ययन किया जाता है तो बीज का किया जाता है किसका बीज का अध्ययन किया जाता है चलिए अगला देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है अगला क्वेश्चन कहता है अगला क्वेश्चन कहता है सिल्वी कल्चर सिल्वी जो कल्चर होता है वो वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें वर्णन किया जाता है किसका अध्ययन किया जाता है तो दोस्तों किसका अध्ययन किया जाता है तो ये हो जाएगा वन के विकास के लिए जो सिल्वी कल्चर होता है वो वन के विकास के लिए किया जाता है अगला कहता है एग्रो एस्ट्रोलॉजी में अध्ययन होता है किसका अध्ययन किया जाता है तो एस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है तो घासों का किया जाता है किसका एस्ट्रोलॉजी किसका घासों का अध्ययन किया जाता है चलिए फलों का अध्ययन किसमें किया जाता है तो इसमें किया जाता है दोस्तों पोमोलॉजी में किया जाता है, तो तो है. चलिए अगला कहता है पीडोलॉजी जो होता है पेडोलॉजी जिसे कहा जाता है वो सबको पता है भाई ज़्यादातर ये क्वेश्चन सभी को पता रहता है तो ये भूमिका जो होता है भूमिका अध्ययन किया जाता है इसमें आनुवंशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाले वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है वनस्पति विज्ञान की शाखा को दोस्तों क्या कहा जाता है तो ये आनुवंशिकी कहा जाता है जिसे जेनेटिक्स कहा जाता है अगला कहता है पौधों को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है जो नहीं प्लांट्स का नाम दिया गया इनका वैज्ञानिक नाम ये होगा इस तरीके से जो बोला जाता है वो होता है क्या होता है वर्गीकी कहा जाता है क्या कहा जाता है वर्गीकी कहा जाता है फलों का अध्ययन क्या कहलाता है अभी बताया था हमने क्या कहलाता है दोस्तों ये कहलाता है आपका पोमोलॉजी कहलाता है क्या पोमोलॉजी कहलाता है पीडोलॉजी क्या होता है भूमि का अध्ययन किया जाता है ठीक है भूमि का अध्ययन किया जाता है स्पर्मोलॉजी क्या होता है तो बीज का अध्ययन किया जाता है चलिए अगला देख लेते हैं अगला कहता है परागकणों का अध्ययन क्या कहलाता है तो परागकणों का अध्ययन क्या कहलाता है तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों तो ये हो जाएगा पैलिन पैलिनोलॉजी कहलाता है क्या पैलिनोलॉजी कहलाता है संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है कहता है संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है ये क्वेश्चन पूछा गया है तो इसका आंसर हो जाएगा फाइटोजियोग्राफी कहलाता है क्या कहलाता है पौधों में संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन फाइटोजियोग्राफी कहलाता है ठीक कहला है फाइटोजियोग्राफी कहलाता है साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है जो साग सब्जी उत्पन्न करते हैं उन पौधों को क्या कहा जाता है तो ये कहा जाता है ओलेरी कल्चर कहा जाता है क्या कहा जाता है ओलेरी कल्चर कहा जाता है वार्षिक वाले यानी कि जो एनुअल ड्रिंक्स होती हैं के अध्ययन क्या क्या कहा जाता है तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है क्या डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों तीस का आपका आंसर जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बी वाला ठीक है डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है अगला देखो कहता है कहता है सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन झाड़ियों के एक मिनट देखें दोस्तों चल रहा है कि नहीं ठीक है चल तो रहा है हाँ कहता है सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है तो जो सजावटी वृक्ष होते हैं उनके संवर्धन से संबंधित जो अध्ययन कहलाता है वो आर्बो आर्बो आरबोरी कल्चर कहलाता है क्या आरबोरी कल्चर कहलाता है पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है पौधों की जो आंतरिक संरचना होती है उसका अध्ययन क्या कहलाता है तो ये शारीरिकी कहलाता है क्या शारीरिकी कहलाता है अगला देखो अगला क्वेश्चन है कहता है पादप विज्ञान की शाखा जिसमें कवक शास्त्र में जिसका अध्ययन किया जाता है कवक शास्त्र में जिसका अध्ययन किया जाता है तो फफूंद का कहता है कवक शास्त्र है फफूंद का अध्ययन किया जाता है वृक्ष वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन होता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा वृक्षों तथा वनस्पति की खेती जो वृक्षों तथा वनस्पति की खेती जो होती है वो उसमें क्या होता है वृक्ष संवर्धन अध्ययन होता है अगला कहता है जीव विज्ञान के पृथक्रमण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है तो ये हो जाता है टिशू कल्चर क्या कहलाता है टिशू कल्चर दोस्तों कहलाता है काई की तरह तरह के प्राचीन पौधों का अध्ययन जो होता है जो नम आद्र वातावरण में बढ़ता है उसे क्या कहा जाता है हाँ देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहता है काई की तरह तरह के प्राचीन पौधों का अध्ययन जो नम व आर्द्र वातावरण में बढ़ता है उसे किस नाम से जाना जाता है उसे किस नाम से उसे यानी किस में अध्ययन किया जाता है तो ये हो जाता है आपका ये कहलाता है ब्रायोलॉजी क्या कहलाता है ब्रायोलॉजी कहलाता है कोशिका के कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है तो ये कहलाता है साइटोलॉजी कहलाता है क्या साइटोलॉजी कहा जाता है ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा अभी चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही अगले चैप्टर में दूसरा चैप्टर बात करेंगे अगले वीडियो में दूसरा चैप्टर बात करेंगे थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग